आज हमें पूरी दुनिया जानते हैं कठपुतली कॉलोनी के नाम से। हमें एक नाम बनाने में कम से कम 50 साल लगा है, फिर इसी कॉलोनी को हम दोबारा बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये कॉलोनी अब दोबारा नहीं बन सकते अलग जगह पर, हमें यहीं पे जैसे हम वैसे ही खुद से। हमें नहीं चाहिए कि ना फ्लैट चाहिए ना ट्रांजिट कैंप, कैसा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। रामलीला थी और कठपुतली का प्रोग्राम था और कुछ नहीं था, ना सिनेमा था ना सर्कस था ना नौटंकी थी। इसी से राजा महाराजा मनोरंजन करते थे, कहीं शादी होती थी, ब्याह होता था, कोई तरह का खेल तमाशा तो हमारी पुतलियों का होता था। मैं ये बचपन से 12 साल का करने लग गया था। मैंने नेहरू जी को दिखाया, मैंने इंदिरा जी को दिखाया और मैं सब जगह मैंने दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमारी हिंदुस्तान में वैल्यू नहीं है। इसको हम जिंदा रख रहे हैं, फिर भी हमें उठाया जा रहा है। हमारे बाप दादाओं ने इस जगह को मेहनत कर करके सींचा है और इसे बंजर से सोना बनाया है इस जगह को, और आज हमें इस जगह से उठाया जा रहा है जो कि हम यहाँ से उठना नहीं चाहते। 50 साल हो गई ये जमीन हमारी है, हमें उठा के ट्रांजिस्ट कैंप के अंदर भेजा जा रहा है। बताओ ये कोई जायज है? ये डीडी वाले बताते हैं कि 3 या 4 मीटर का जो भी है ट्रांजिट कैंप में एक एक कमरा मिलेगा हम लोगों को। तो अगर जिसके 5 बच्चे 3-4 मीटर में, तो वो सो भी नहीं पाएंगे, खाना भी नहीं बना पाएंगे, उनमें तो हम किसी भी कीमत पर रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम पपेट उसमें नहीं बना सकते। हम ज़मीन पे बना सकते हैं पपेट, और कुछ हमारे पपेट जो है 15-15 फीट के, तो वो पपेट फ्लैटों में कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे? हमारे जो ढोल हैं, बड़े बड़े ढोल हैं, किसी के पास 10 ढोल हैं, किसी के पास 15 ढोल हैं, वो हम कहाँ रखेंगे? और जो फायर वाले हैं, फायर करते हैं, वो तो बिल्डिंगों में इमारतों में कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि हमें तो चाहिए ग्राउंड, पपेट बनाने के लिए ग्राउंड चाहिए, फायरमैन को भी ग्राउंड चाहिए, तो ये बिल्डिंगों में तो होगा ही नहीं किसी की मत पे। अब अगर हमारे को यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएंगे हम, तो हमारा जो काम बना हुआ है वो काम कैसे होगा? हम आर्टिस्ट लोगों की कमाई बहुत कम होती है, कैसे ना कैसे करके गुजारा कर लेते हैं हम। अगर उसके बीच में हमारे को कहीं उठाया जा रहा है, तो उसके अंदर तो हमारे काम की भी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आने जाने की हर चीज़ की परेशानी होगी हमें। हम यहाँ पर 3,000 से ऊपर परिवार हैं, जबकि बिल्डर्स और डीडीए ये बता रहे हैं कि कभी 2800 बताते हैं, कभी 2700 बताते हैं, कभी 2600 बताते हैं। अभी हमारी कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उन सब एक हैं, और हम यहाँ से किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे, चाहे वो बुलडोजर लाए, आर्मी लाए, किसी को भी लेकर। अगर वो हमें शूट करना चाहते हैं, हमें यहाँ सबको शूट करना, हमें वो मंजूर है, बाकी यहाँ से हिलना हमें मंजूर बिल्कुल नहीं।